हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जा रहे थे बाहर, ये घर के नीचे का व्यू है इसलिए थोड़ा डिम डिम दिख रहा है लाइट। और फिर हम लोग आ गए यहाँ पे, हल्दीराम गए थे हम लोग। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड है ना, तो उनका लास्ट ईयर ही पोस्टिंग आ गया था, लेकिन उनके फैमिलीज यहीं रहते थे। तो हम लोग लास्ट टाइम में डिसाइड किए थे कि वो साथ में जाएंगे कहीं घूमने के लिए। तो रमज़ान चल रहा था तो हम लोग कहीं जा नहीं पाए, तो फिर हम लोग डिसाइड किया कि चलो हल्दीराम जाते हैं। माहित का ही बहुत मन था, उनके दो बच्चे हैं तो माहित उनके साथ में खेलता है। तो ये हम लोग आ गए हल्दीराम, हमारे घर के पास से ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पे आए और हम लोग ने इफ्तार में भी ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था कि थोड़ा जाना है तो इधर उधर खाना है तो एक्स्ट्रा कुछ ना हम लोग खाएं। तो मेरे हस्बैंड वहाँ बैठे हुए हैं और यह माहित बैठा हुआ है, और मैंने बोला कि आप देख लीजिए कि आपको क्या मंगाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा चूज़ी हैं, वो सोचते क्या लूँ नहीं लूँ वो उतना पसंद नहीं करते। और ये मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो वो लोग मेन्यू देख रहे थे, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। और ये देखिए उनके दोनों बच्चे और इनकी वाइफ, ये मेरी फ्रेंड्स है, नीचे ही रहते हैं हम लोग घर के पास, हम मैं ऊपर रहती हूँ ये नीचे रहते हैं। तो ये लोग अभी चले जाएंगे 3 तारीख को। और ये माइद हाई बोल रहा था, मैंने उसको बोला कि फिर अच्छे से बोलो अच्छे से बोलो, वो बोल रहा था ना हाई फ्रेंड्स। हम लोग ना विश्व बंगला आए, विश्व बंगला नहीं आए, हम लोग हल्दी आए, हल्दीराम आए। तो और मेरे हस्बैंड लेकर आ गए, मैंने माहित के लिए डोसा मंगाया था क्योंकि वो बच्चे हैं ना तो एक बार खा लेने से घर जाके फिर नहीं खाएंगे। और हस्बैंड के लिए इडली और मेरे लिए फ्राई राइस और पनीर मंचूरियन था, बस ये मंगवाए थे। और ये उन लोग हमारे अपोजिट साइड में बैठे हैं तो उनका बेबी का भी वही फ्राई राइस था और इडली था वहाँ, और दही बड़ा उन्होंने मंगाया था। और मैं जो ट्राई करके गई थी ना तो मुझे अच्छा लगा था वेज फ्राई राइस, इसलिए मैंने मंगा लिया था कि मैं यही खा लूँगी, मैं बार बार नहीं खाऊँगी। और यहाँ सब लोग खाने में बिज़ी हो गए थे। और माहिद ना माशाल्लाह वो पूरा डोसा कंप्लीट कर दिया था, और ना वो प्लेन मैंने मंगाया था, वो आलू वाला नहीं खाता है, वो मैंने प्लेन मंगाया था। और ये मेरे अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आप मेरा वीडियो बना लो, मेरा आदत है ना सबके प्लेट्स में, अगर 3 जन है ना तो तीनों का डिफरेंट डिफरेंट आया था ना, तो मैं सबके प्लेट से ना लेके थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, और मैं अपने प्लेट से भी सबको थोड़ा थोड़ा देती हूँ। तो मैंने टेस्ट करी थी अपने हस्बैंड के प्लेट से, और ना डोसा यहाँ का इडली यहाँ का ना इतना टेस्टी था ना कि वो मुँह में जाते ही इडली घुल जा रहा था। और मैं अपने हस्बैंड को बोली कि आप मेरा टेस्ट करके देखो, फ्राइड राइस बहुत अच्छा है। तो मेरे हस्बैंड ने खाया तो बोला कि हाँ रज़िया अच्छा है, लेकिन मैंने उनको सिर्फ ग्रेवी दिया था ना तो उन्होंने बोले कि तुम अपने लिए पनीर रख ली हो चालू और मुझे खाली ग्रेवी दे रही हो। मैंने नहीं पनीर भी ले लो सॉरी, मैंने सोचा कि वो ग्रेवी मिक्स करके देती हूँ। तो यहाँ पे सब हंस रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि आप खाइए ना, मैं आपका वीडियो बना लेती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं नहीं तुम खाओ, तुम अपना वीडियो बनाओ। तो मेरे हस्बैंड की जो फ्रेंड है ना, मैंने बोला कि देखें अब वो वीडियो नहीं बनाते, उनको बहुत शर्म आता है। तो वो बोले ना, मैं इसलिए इतना ज़ोर का हंसी ना बोली ना, वो बोले ना कि बोल दो कि मैं छोड़ कर चली जाऊँगी तो अब क्या करोगे। मैं बोली कि मैं ऐसे कैसे जाऊँगी, तो बोले कि मेरे जैसे कोई नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने बोला कि उनके जैसे मुझे मिल जाएगा, मेरे जैसे उनको नहीं मिलेगा। तो सब लोग इस बात के लिए बहुत हंसने लगे उनके बात कि रज़िया आप बहुत चालू हो, आप ऐसे बोल रहे हो। तो मैं बोली नहीं 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 मजाक था, ऐसे कोई बात नहीं है। फिर सब हंसी मजाक, काफ़ी मजाक, हम लोग को काफ़ी मज़ा आया सब साथ में बैठ कर। काफ़ी दिन बाद गए थे ना क्योंकि भैया नहीं रहते, जहाँ पोस्टेड है वहाँ वो चले गए हैं, सिर्फ उनकी फैमिलीज रहते हैं, तो हम लोग ऐसे भी साथ में नहीं जा पाते थे। कभी कभी घर पर आना जाना होता है मिलना जुलना, तो वही बस इतना ही। और ये माहिद ना सांभर और नारियल की चटनी मिक्स करके ना खा रहा था, तो मैंने उसका वीडियो बनाया ना तो उसने वो खाना छोड़ दिया और उसने वो डोसा लगा के, और ये देखो खा के दिखा रहे कैसे मुझे ना, उसको ये जैसे दिखाता है ना मुझे देखिए बहुत प्यार आता है। और ये देखिए उसने फिनिश कर लिया था, प्लेन डोसा था तो वो फिनिश कर लिया था, मैंने भी अपना फिनिश कर लिया था, मुझे तो अच्छा लगा। तो मैंने खाना एक ही बार खा लिया, मैं घर पे आके कुछ भी नहीं खाई थी, और मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं खाया था, वो 2 इडली खाया था, 2 इडली से मैंने भी खाया था थोड़ा, माहिद ने भी खाया था। तो वो आके घर पे मैंने खाना बनाया ही था चिकन और चावल, तो मेरे हस्बैंड ने वो खा लिया। और उसके बाद देखो ये सारे लोग खा के ना प्लेट्स रख दिए थे, और ये मैं हूँ यहाँ बैठी अपना प्लेट लेके। कौन कौन ऐसे करता है खाने के बाद वीडियो शूट करता है, प्लेट को ऐसे खाली दिखाता है। और खाने के बाद देखिए सारे बच्चे मिलकर खेल रहे थे, तो मैंने बच्चों का वीडियो बना लिया। ये दोनों माइक के फ्रेंड्स हैं और वो दोनों साथ में बहुत खेलते हैं, और ये यहाँ पे भी फुल वीडियो हमारा, मतलब सारे लोग का साथ में वीडियो बना रहे थे हम लोग ने। तो यहाँ पे मैं हेलमेट रख रही थी और वो भैया है ना, तो वो भैया वो बार बार वीडियो में ना देख रहे थे और उनका रिएक्शन देखो कैसे कैसे कर रहे थे। और मैं बोली देखो कैसे देख रहे हैं वीडियो में,
और बोल रहे थे बार बार कि लाइक करो सब्सक्राइब करो। तो मैं बोली कि आप मत बोलो, इतना आवाज़ है ना यहाँ पे, मुझे वॉइस ओवर करना ही पड़ेगा। और मैं और मेरे हस्बैंड इतना हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे। और ये मेरी फ्रेंड है, तो मैंने बोला चलो हम साथ में ले लेते हैं कि हमारा भी एक मेमोरी हो जाएगा। और यहाँ पे जाते वक्त मैंने अपना जाते वक्त अपना बना लिया कि हम लोग बस निकल रहे हैं, अब वहाँ से हो गया निकल गए। फिर हम लोग बाहर आए ना, तो थोड़ा ड्रॉप ड्रॉप बारिश हो रहा था, तो मैं उनको बोली कि बारिश हो रही है, बोले चलो चलो ज़्यादा बारिश नहीं होगा। तो फिर हम लोग चले गए थे कोलकाता बाज़ार में, वहाँ से तो टाइम था हमारे पास, तो हम लोग कोलकाता बाज़ार चले गए थे। और ये हल्दीराम का बाहर का सीन देखिए आप, बहुत सुंदर, वहाँ का लाइटिंग भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये हमारी शाही सवारी, हस्बैंड ने निकाला बाइक जो कि मेरा फेवरेट राइड है, मुझे बहुत पसंद है इसमें बैठना और कहीं जाना आना। मुझे ना गाड़ी वाड़ी में उतना नहीं पसंद आता, क्योंकि बहुत वोमिटिंग होता है, इसलिए मैंने मुझे ना बाइक बहुत पसंद है। और ये देखिए यहाँ रोड ना बिल्कुल फाँका था, ये बाइक साइड का रोड था, फोर व्हीलर उस तरफ जा रहा था, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया। और ये हमारा हेलमेट पहनना ना मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मैं कहीं भी जाती हूँ उसको पहन कर जाती हूँ, बिना उसके कहीं नहीं जाती हूँ। फिर हम लोग ये कोलकाता बाज़ार आ गए थे, एंड इतना रश था कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। फिर वो बिलिंग में ना हम लोग देख के ना कुछ मैंने लिया ही नहीं, निकल गए बाहर। और यहाँ पे आना तो सच में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगा। और ये कलकत्ता का ब्रिज देखो और यहाँ का लाइटिंग देखो, मुझे ना बहुत पसंद है। मैं छोटे से कलकत्ता में रहती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। ये सारे बच्चे ना हम लोग कहाँ खड़े हो, हम लोग निकल के आ गए थे तो हम लोग ने सब बस स्टैंड में खड़े थे, और ये सारे बच्चे आराम से दो सीट खाली थे तो बैठ गए थे। और यहाँ पे देखो घूम के हमारा हालत कैसे हो गया, खा पी के बिल्कुल। उसके बाद बारिश कम हुआ तो फिर हम लोग निकल गए। और ये ट्रैफिक देखो, ये रोड का जो ट्रैफिक हमारा मिलता है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, मतलब यहाँ पे ना बहुत लेट होता है इस तरफ में। फिर भी हम लोग ट्रैफिक लेके वेट किए, फिर ट्रैफिक में हम लोग आ गए। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे घर के साइड का रोड, और यहाँ पर ना कितना हरा भरा है। बस अब हम लोग पहुँच गए थे 2 मिनट में घर। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, और हम लोग बहुत थक गए हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं। तो माही इधर आओ, बाय करो, बाय करो, इधर आओ, बाय फ्रेंड्स, इधर आओ, इधर आओ। फिर घर में ना हर तरफ कपड़ा फैल गया है, जो कपड़ा मैंने दिन में धोया था वो भी फैला हुआ है, और हम लोग ने जो चेंज किया था इधर उधर सब फेंक के हम लोग चले गए थे जाने के वक्त। और बस अब आए हैं तो बहुत सारा काम बाकी है, करो। हेलो फ्रेंड्स, मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। हम लोग बहुत थक गए, 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 लेट हो गया है। इसलिए राजी भैया और राजदीप, माइक का फ्रेंड का नाम है राजवीर और राजदीप। हाँ, और शुभंकर, हाँ, और दीपाली आंटी, और चले गए हैं सब। हम लोग अपना घर चले गए हैं, हम लोग अपने घर आ गए हैं। अब हम लोग रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम और माई तो खा चुके हैं, पापा ने नहीं खाया है, पापा ने खाना खाएंगे। और मैं भी खाऊंगा। तू भी खाओगे? हाँ, खा लेना, मुझे घर में भी भूख लगा हुआ है। आज ठीक है, खा लेना, चलो। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, शेयर कर लेना है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। खूबसूरत अपना ध्यान रखिए और अच्छे से रहिए। बाय बाय।